हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास आ जाती है अशोक लीलैंड की बस। गाड़ी में प्रॉब्लम यह है कि आरपीएम 15 से ऊपर नहीं जा रहा है। फॉल्ट कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉल्ट कोड इसमें काफ़ी सारा है, जिसमें से एक फॉल्ट कोड आ रहा है इंजेक्टर नंबर 1 जनरल शॉर्ट सर्किट, दूसरा इंजेक्टर नंबर 1 ओपन सर्किट का फॉल्ट कोड इसमें जनरेट हो रहा है। ये आप देख सकते हो, इस पर अगर हम ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक करनी है। इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट कोड जो है एक्टिव पे है, काफ़ी इनएक्टिव पे है। जैसा कि आपने फॉल्ट कोड देखा कि आपका शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट कोड आ रहा है, तो इसमें इंजेक्टर का जो मैग्नेट असेंबली है सेंसर, वो भी हमारा शॉर्ट हो सकता है या फिर वायरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार हम फॉल्ट कोड को क्लियर करते हैं, दोबारा से हम जाएंगे ट्रबल कोड पर। यहाँ आप देख सकते हो अभी जो है अभी हमारा कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कोई हमारा फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। ये हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ आप देख सकते हो ओपन कपलर का फॉल्ट कोड हमारा जो है वो जनरेट हो गया इंजेक्टर नंबर 1 के लिए, जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हो। तो दोबारा से हम फॉल्ट कोड को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सेम इसमें दोबारा ओपन कपलर का फॉल्ट कोड जो है वो इसमें जनरेट हो रहा है। क्लियर करने के बाद जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या रेस करते हैं, तो हमारा फॉल्ट कोड जो है वो जनरेट हो जा रहा है। मैं दोबारा आपको ट्रबल कोड पे जा रहा हूँ कि हमने फॉल्ट कोड क्लियर किया, फिर से सेम हमने स्टार्ट किया और जनरेट हो जा रहा है, और हमारा आरपीएम जो है वो 15 से ऊपर नहीं जा रहा है जब हमारा इंजेक्टर का जो फॉल्ट कोड है वो जनरेट हो जाता है। ये आप देख सकते हो, जब हमारा फॉल्ट कोड इनएक्टिव पे रहता है तो आरपीएम हमारा सही हो जाता है, जब दोबारा एक्टिव पे आ जाता है तो हमारा आरपीएम 15 से ऊपर नहीं जा रहा है। मैं आपको फॉल्ट कोड चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, हम दोबारा जाएंगे ट्रबल कोड पे। यहाँ आप देखो इंजेक्टर ओपन कपलर हमारा बता रहा है। तो चलिए फिर आगे हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में हमें क्या प्रॉब्लम मिली और गाड़ी को हमने कैसे सही किया। ये आप देख सकते हो अभी फॉल्ट कोड हमारा एक्टिव कंडीशन पर है और हमारा आरपीएम जो है वो 15 से ऊपर नहीं जा रहा है। दोबारा जैसे ही क्लियर करेंगे तो आरपीएम हमारा चला जाएगा। इसके बाद हमने इसका सेंसर जो है उसको हमने एलसीआर टेस्टर से चेक किया, सेंसर हमारा सही था। हमने चारों इंजेक्टर के कपलर जो है वो चेंज कर दिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा कोई फॉल्ट कोड इसमें नहीं है, ओनली ईजीआर का जो है वो हमारा इनएक्टिव कंडीशन पे है। कपलर चेंज करने के बाद गाड़ी हमने स्टार्ट किया और ये आप देख सकते हो आरपीएम हमारा बिल्कुल सही हो गया है, अब 15 से ऊपर ईजिली जा रहा है फुल एक्सलेट करने से। और हमारा फॉल्ट कोड भी जो है वो अब कोई नहीं आ रहा है, जो कि पहले आ रहा था इंजेक्टर ओपन लोड एरर का। मैं आपको गाड़ी चला के भी दिखा देता हूँ कि अभी हमारा फॉल्ट कोड इसमें कोई नहीं है। ये हम गाड़ी को चला के भी देख रहे हैं, अभी हमारा किसी भी तरीके का इसमें फॉल्ट कोड नहीं जनरेट हो रहा है और ना ही गाड़ी का जो पिकअप है वो डाउन हो रहा है। आरपीएम जो है 15 से ऊपर ईजिली जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ऊपर हमारा एड्रेस है, दुकान का नाम झारखंड डीजल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।